My mom always told me, everything happens for good. But not to people who just believe that, but to those who actually keep going, one foot in front of the other, step by step. Giving up is never an option. Strive, fall, get back up, keep moving, keep flying until you reach the horizon. Just keep telling yourself that you can and you will watch me. Because you are your only competition. Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? Hi everyone, I really hope कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते ही रहोगे. आपने वीडियो को टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, है कि नहीं? How to stop worrying and start living. ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ जो इस बात से परेशान है. बता देता हूँ मैं कि वीडियो किन लोगों के लिए. ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे पहले जो अपने पास के बारे में सोचकर अपना आज खराब करते हैं और आज खराब करते हुए अपने फ्यूचर को भी बर्बाद कर देते हैं. मुझे पता है कि ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ बोलने के लिए काफ़ी ईजी है बच्चों, डिफ़िकल्ट उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा है. उस पास के बारे में नहीं सोचना जो हमारा बहुत बुरा गया है, उस आज के बारे में ही सोचना जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, और फ्यूचर के बारे में वरी करना हम सब का एक ह्यूमन नेचर बन चुका है. और मेरे ख्याल से बच्चों, जो पिछला मैंने वीडियो किया था जिसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और इतना ज़्यादा शेयर्स किए, इतने ज़्यादा व्यूज़ हुए उसके, दैट वाज लोग क्या कहेंगे, उस वीडियो के कमेंट्स मुझे ये समझ में आया कि इस टॉपिक पे भी वीडियो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि लोग क्या कहेंगे वॉज अ डिजीज़ एंड दिस टू इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ वरिंग 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 अबाउट द पास्ट which has happened long back, worrying about today because we are actually living in our past, we're worrying about the future because the today's day is not running well. है कि नहीं? ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हर एक बात के लिए ओवरथिंक करते हैं. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बुरी आदत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इससे आपका बुरा होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओवरथिंकिंग हर एक चीज़ के लिए अच्छा भी नहीं होता है. सोच कर देखो, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर भी हम ओवरथिंक करके उसके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक हम एक उसके अराउंड सराउंडिंग एक ऑरा बना देते हैं जो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि हम उसकी तरफ बढ़ते नहीं. हम जो है हमेशा कहते रहते हैं कि एक स्टार्टिंग ट्रबल है लोगों के बीच में. क्या है एक स्टार्टिंग ट्रबल? स्टार्टिंग ट्रबल क्या होता है? स्टार्टिंग ट्रबल यही होती है कि हमें वो काम करने में हेजिटेशन है. हेजिटेशन क्यों है? क्योंकि हमने उसके बारे में ओपिनियन सोच लिए कि अगर मैं इसे ऐसा करूंगा तो शायद लोग क्या कहेंगे, तो शायद मैं अपने बारे में क्या कहूंगा, शायद लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वगैरह 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 सब. ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हर एक चीज के बारे में पॉजिटिव तो जरूर सोचते हैं लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव भी सोचते हैं. एंड दैट सैडेंस मी. ये मैं कह के लोगों को थक चुका हूं कि भाई हमारे जिंदगी में हर एक चीज जो आप करने के लिए जाते हो उस चीज के लिए दो दो प्रोबेबिलिटीज होती है. 50% होती है नेगेटिव, मैंने माना, लेकिन आपको भी ये मानना है कि बाकी 50% पॉजिटिव भी होता है. तो हम क्यों एज ए ह्यूमन उस नेगेटिव की तरफ इतना ध्यान देते हैं जब 50% पॉजिटिव भी पड़ा हुआ है वहां पे? Isn't it people? यही मैं कहना चाहता हूं. तो आज का जो सेशन है पीपल इसी के बारे में है, इन तीन लोगों के बारे में जिसमें से शायद मैं भी उनमें से कोई एक कैटेगरी में पढ़ता होगा, शायद आप लोग इनमें से कोई एक कैटेगरी में पढ़ते होंगे, या तो दोनों कैटेगरी में होंगे या तो तीनों कैटेगरीज में होंगे आप लोग. हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. तो बच्चों इस वीडियो के पूरे एंड तक देखना. अगले 5-6 मिनट में मैं आप लोगों को ये तरीका बताने वाला हूं इन 3 सिंपल वेज. मैं बस 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा, 3 सवालों का, 3 स्टेटमेंट्स का. वो 3 स्टेटमेंट आपकी जिंदगी में शायद थोड़ा सा चेंज लाएंगे व्हेन यू थिंक अबाउट stopping to worry and starting to live. So people, without spending any more time, let's get started. ठीक है? तो अभी इस बात को ध्यान से सुनना. मैं start करने वाला हूँ. And the पहला point which I would like to tell you is essentially a question. पहला जो मेरा point है, वो एक question है, और वो question ये है आपके सामने. बच्चों एक simple सा question मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि what is the worst thing can happen? मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, इस बारे में सोचो. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. चलो हम स्कूल स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं, मोस्टली स्कूल की बात दे देते हैं, मेरी बात भी ले लेंगे थोड़ी देर में, मेरा एग्जाम्पल मैं इस्तेमाल करूंगा. आप लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं मैथमेटिक्स, है ना, या दो पकड़ लेते हैं SST, ऐसा कोई सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं जिसमें आपको कम मार्क्स आते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल चलो पकड़ लिया मैथ्स,
मैथ्स में से आपको 100 में से 80 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, 60 आ गए, 50 आ गए, 40 आ गया, 30 आ गया, फेल हो गया, मान लेते हैं। इस सिनेरियो का वर्स्ट केस क्या होगा, क्या हो जाएगा आपके फेल होने से, सोचो। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन? बाद में जाके आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे, कोई आपको सूली पे चढ़ा देगा, आपको मार दिया जाएगा, लोग आप पे हाय हाय करेंगे, लोग ऐसे रोड पे चलेंगे प्रोटेस्ट करते हुए, इसको स्कूल से बाहर निकालो, ऐसा करेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे आपको, अंडरस्टैंडेबल। क्या हो जाएगा उससे ज्यादा, सोचो और मुझे बताओ। सांस नहीं ले पाओगे, नहीं। खाना नहीं खा पाओगे, नहीं। मजे नहीं कर पाओगे, नहीं। थोड़ा सा दुखी होगे, हाँ। उसके बाद में खुश हो जाओगे, हाँ। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपल, जो हमें अपने आप से पूछना है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आता है, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है, जब आपको डर लगने लगता है, जब आप वरी करने लगते हो, उस वरी से ये सवाल पूछना कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे, अगर आप उस अनसर्टेनिटी को जवाब नहीं दोगे, इफ यू डू नॉट आंसर टू दैट अनसर्टेनिटी, तो आपका दिमाग जवाब देने लग जाएगा, और जब आपका दिमाग जवाब देगा तब जाके बातें आती हैं कि लोग रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे आपके अगेंस्ट, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर निकाल देंगे, आप खुद अपने अपने आप को आईने में देख नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें, आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है, हम सबका दिमाग ऐसे काम करता है। जब हम अपने दिमाग को क्लैरिटी नहीं देते हैं, तब दिमाग खुद अपने आप को क्लैरिटी देने की कोशिश करता है, और जब वो चीज़ वो करती है, तब आपके ज़िंदगी में वरी से भी ज़्यादा वरी आने लगती है बच्चों। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आपके दिमाग की कंट्रोल आपके पास है, आपके हार्ट का कंट्रोल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मैंने बोला था कि मेरा भी एग्जाम्पल लूंगा मैं, है कि नहीं। 11th क्लास में मैं आप लोगों से हमेशा ऑनेस्ट रहा हूँ और हमेशा ऑनेस्ट ही रहूँगा, मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है। क्योंकि जब मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, और जब मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, तो मैं ये सारी चीज़ आपको खुल के बता भी सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले कहाँ था और अब मैं कहाँ पे हूँ, है कि नहीं। और मुझे पता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं कितना प्यार करता हूँ लोगों से। तो इस बात को ध्यान से सुनना, 11th क्लास में मैथमेटिक्स में मैं फेल हुआ, बिल्कुल बिल्कुल फेल हुआ। क्या हो गया 11th क्लास में मैथमेटिक्स में फेल होने के बाद, क्या हुआ? कुछ हुआ, हाँ, मम्मी पापा ने डांटा, बिल्कुल। क्या मैं रोया कुछ दिनों के लिए? बिल्कुल। क्या मैं उदास रहा कुछ दिनों के लिए? बिल्कुल। लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी रुक गई? नहीं। क्या मेरी ज़िंदगी में खुशी आना बंद हो गया? नहीं। क्या मैंने डांस करना छोड़ दिया? नहीं। क्या मैंने खाना पीना, क्या मैंने सांस लेना छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद कॉलेज में घुसने के बाद अपने बीटेक के दौरान पहले 2 साल चारों के चार सेमेस्टर्स में 100 out of 100 लाया मैंने मैथमेटिक्स में। कैसे ला दिया? वो बंदा जो 11th स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हो रहा था, 10th में वीक था, 12th में वीक था, 12th में जिसके मैथ्स की वजह से परसेंटेज कम भी हो गई, वही बच्चा कॉलेज में जाकर जब एरोस्पेस कर रहा है, मैंने खुद पूरे चारों सेमेस्टर में मैंने 100 में 100 लाए। क्या फर्क पड़ गया? अभी अगर आप सही में मुझसे पूछोगे, मुझे ये पता भी नहीं है कि मेरे 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट कहाँ रखा है इस घर पे। मेरा 11th स्टैंडर्ड के मार्क्स अगर आप मुझे पूछेंगे, मुझे याद भी नहीं होगा। 12th की तो बात रहने दो, 12th का मुझे परसेंटेज याद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बच्चों, जब आपका स्कूल करियर ख़त्म हो जाएगा और आप सोचोगे इस सब बारे में, आपको लगेगा यार हम खामा का इन सब बारे में सोच नहीं रहे थे। और ध्यान से देखना, जिंदगी में 90% चीज़ें वैसे ही होती हैं जिसके बारे में वरी करते हो, लेकिन उनका कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी बात से मैं अपना सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ये, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सोचना। ये मैंने बहुत दिल से लिखा हुआ, डू नॉट प्रायोरिटाइज एनीथिंग विच यू विल नॉट थिंक ऑफ वेन यू आर डाइंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो, आपके जिंदगी का आखिरी घंटा है, आखिरी मिनट है, आखिरी सेकंड है, इस दौरान आपके दिमाग में क्या चलेगा, इस दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जो चीज चलेगी वो आपके लिए प्रायोरिटी है,
और जो चीज़ नहीं चल रही होगी वो प्रायोरिटी नहीं है। यार आज मेरे को लैपटॉप नहीं मिला यार, पापा मम्मी ने लैपटॉप खरीद के नहीं दिया, पापा मम्मी ने साइकिल खरीद के नहीं दिया, खुश नहीं हो, मैं 11th में फेल हो गया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट खराब गया, मरते वक्त ये सोचो क्या कि मरते वक्त ये सोचोगे कि मेरे मम्मी पापा कैसे रहेंगे इसके बाद, है कि नहीं? सोचोगे ना कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया कि नहीं? सोचोगे ना कि ये सोचोगे कि आज वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन खराब था यार, आज माउस पैड काम नहीं कर रहा था, आज मेंटी को इसमें लीडर बोर्ड पे नहीं आया मैं, सोचोगे कि नहीं? नहीं राइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जिंदगी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो प्रायोरिटी उनको बनाओ जिंदगी में जिनके बारे में आप इस वक्त सोचोगे, है कि नहीं? तभी तो जिंदगी में मजा आएगा, तभी तो आप जिंदगी जीने लगोगे, क्योंकि आप जिंदगी जियोगे अपने लिए, अपने प्रायोरिटीज के लिए, जो एक्चुअल में आपके लिए प्रायोरिटीज होंगे, कुछ और नहीं होगा। आई रियली होप आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है, आई रियली होप बच्चों। तो अभी अभी के अभी बैठकर सोचना कि मैं मरते वक्त एक घंटे पहले क्या सोचूंगा, और जब ये सोचने लगो कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएगी बच्चों, डेफिनेटली यू कैन मार्क माई वर्ड्स देयर। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये सवाल है मेरा एक और। पहला मैंने स्टार्ट किया था एक सवाल से, अब मैं खत्म भी कर रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचो और मुझे जवाब दो कमेंट्स में या तो चैट्स में, अभी जब चल रहा होगा तो मुझे जवाब देना। और ये सवाल है बच्चों आपके सामने ये रहा, बच्चों मुझे सोच कर बताओ कि क्या आप लोग अपने मुझे क्या आप लोग अपना दोनों पैर मुझे दे सकते हो $1,000,000 के? दे सकते हो? या तो दो अपने हाथ, दो हाथ भी दे दो चलेगा मेरे को। जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आप लोग मुझे अपने दोनों हाथ, दोनों आंखें, दोनों लंग्स, दोनों पैर, कोई भी एक चीज़ में दे सकते हो $1,000,000 में? चलो एक काम करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, $1,000,000 में नहीं दोगे आप, $1,000,000,000 कर देते हैं, इसमें $1,000,000,000 दोगे? डरिए मत बच्चों, मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का केस नहीं कर रहा, आप चिंता मत करो, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। जब सवाल आया दिमाग में क्या चला आपके, हाइट मैं कैसे दे दूँ? तो सोच कर देखो ये सवाल आपके दिमाग में, सवाल दिमाग क्यों आया आपके? क्योंकि आपको लगता है कि आपके जो पैर है, हाथ है, यानी कि आपका जो हेल्थ है उसकी कोई कीमत नहीं है, ये लगता है ना आपको कि $1,000,000 या $1,000,000,000 देकर भी अगर अपना हाथ पैर या आंख मुझे नहीं दे रहे, इसका मतलब कि इसका कोई कीमत नहीं है, मतलब आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं जो प्राइसलेस है, फिर भी हम पैसा कमाने के चक्कर में, हम फेम कमाने के चक्कर में, हम पावर कमाने के चक्कर में कहां से कहां तक जाते हैं, जब दुनिया की सबसे कीमती चीज तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारा हेल्थ, हमारा मेंटल वेलबींग, क्योंकि यही लेके हम दुनिया में आए थे और यही लेके हम दुनिया से जाएंगे भी, शायद जाते वक्त ये भी नहीं लेकर जाएंगे, है कि नहीं बच्चों? क्या फर्क पड़ गया, समझ में आई बात? बाद में जाओगे, सबके बहुत दिमाग में होगा पैसा कमाना है, बहुत दिमाग में होगी पावर कमानी है, फेम कमाना है, पॉपुलर होना है, होगा ना सबके दिमाग में, है कि नहीं? अगर होते हो, नेचुरली होते तो बिल्कुल सही बात है, करो आगे बढ़ो, नहीं होते तो इसका जुनून मत रखो, ऐसा ना हो जाए कि आप उन चीजों के पीछे भागने लगो जिनका कोई जिंदगी में सिग्निफिकेंस ना हो, जिनका ये सवाल आप ना दे पाओ कि क्या आप उसे $1,000,000,000 के लिए बेच दोगे? आगे जाके आपने एक बड़ा सा घर खरीदा, मानते हैं उसको आकर कोई ऑफर देगा कि $1,000,000,000 में घर बेचोगे? हाँ ले लो, उससे बड़ा घर बेच लूंगा। एक बड़ी सी बाइक खरीदी, दोगे? हाँ ले लो, और भी बड़ी बाइक खरीदूंगा मैं। क्या कोई बना वजह, कोई भी वजह बना, मुझे $1,000,000,000 से अपनी खुशी दे दो, दे दोगे? नहीं, है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट? यार इसका जवाब आपको भी पता चल चुका है ना? नेपोलियन था एक, पता होगा आपको, बहुत फेमस है, ही वॉज अ यू नो ही वॉज अ मार्शल। नेपोलियन था एक, नेपोलियन बोनापार्ट, He had fame, he had power, he had money. उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी कि मैंने पूरी जिंदगी में
कंटिन्यूसली 6 दिन खुशी महसूस नहीं की। बहुत बड़ी बात कह दी उसने। इतने बड़े इंसान है जिसके पास पावर है, मनी थी और फेम था। उसने ये बोला कि दुनिया में जिंदगी में मैंने जिया इतने सालों तक, 6 दिन कंटिन्यूसली मैं खुशी का एहसास नहीं कर पाया, नहीं हो पाया। और उसी सिनेरियो में अगर हम बात करें हेलेन केलर की, जो बेचारी एक अंधी थी, जो बेचारी गूंगी थी, बहरी भी थी, उन्होंने ये कहा कि मैंने जिंदगी में इतना मजा किया हुआ है। तो जब हेलेन केलर, जो इतनी ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में अभी, उन्होंने ब्लाइंड होकर, डम होकर, डेफ होकर जिंदगी इतने खुशी से बिताई, नेपोलियन जिसके पास सब कुछ था फिर भी वो खुश नहीं रह पाया, आपको कौन बनना है? इसी सवाल के साथ बच्चों मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिला होगा और कुछ तो इंस्पिरेशन भी मिला होगा, और आप लोग सोचोगे कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड हाउ टू स्टार्ट लिविंग। थैंक यू सो मच पीपल, विद दैट आई एम माय सेशन टुडे। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ एंड आई डेफिनेटली कैच यू लेटर। बाय। हे गाइस, हाय। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये जो सेशन था काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी लाइक बटन पीपल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। लेट्स मेक एवरीवन रियलाइज कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी जीना, है ना। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट येट। नाउ एक्चुअली बाय, टेक केयर।